कि एग्रीकल्चर में जो भी पढ़ता था उसको 2000 रुपया हम लोगों ने प्रति माह और 6000 रुपया उसको किताब वगैरह खरीदने के लिए हम लोगों ने देने की योजना शुरू की थी। और बाद में उसको पशुपालन हर क्षेत्र में हम लोगों ने उसको हर चीज में बढ़ा दिया, हर तरह की पढ़ाई में बढ़ा दिया। तो ये सब काम किए हैं एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। आप जरा बताइए किसको हम लोग देते हैं ये पैसा, किसी दूसरे क्षेत्र में देते हैं? तो सिर्फ कृषि रोड मैप की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि हर तरह से लोगों को कृषि के क्षेत्र में प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए, और लोग पढ़ें और सब कुछ हो, और इसका जो साइंटिफिक रूप है, वैज्ञानिक रूप है, उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना, और जो भी वैज्ञानिक रूप है उसको मौसम के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी चीज को विकास करना है, आगे बढ़ाना है, खेती बढ़े, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करिए जिसका संकट पर्यावरण पर आए, वो हम लोग नहीं चाहते।